तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने मोबाइल से नया टैलेंट अप्लाई करना है, सो आज की इस वीडियो आपके लिए है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर SBM लिख के स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आईडी क्रिएट कर लेना है। अगर आईडी है तो लॉगिन कर सकते हो, वरना यहाँ पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर अब नाम एंटर करना है, नाम ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर नाम एंटर करने के बाद नीचे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस की जगह पर आप अपना विलेज का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर इंटर करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक करना है, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना आईडी जो मोबाइल नंबर है उसको इंटर करना है और यहाँ पर उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है। तो ओटीपी के लिए हम अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहां पर अपने मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट इंटर करना है और नीचे नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पहला पासवर्ड रहेगा आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट, उसके बाद आप अपने हिसाब से पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक 3 लाइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और यहां पर नया एप्लीकेशन करने के लिए यहां पर न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर ध्यान दें सिर्फ असम का ही हो बनेगा और दूसरा किसी स्टेट का नहीं यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक का नेम सिलेक्ट यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट, तो आप यहाँ पर अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद पंचायत का नेम सिलेक्ट करना है, जीपी ऑफिस का। उसके बाद नीचे विलेज का नाम, विलेज का लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पर अपना विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हैबिटेशन नेम आपको विलेज के नाम के हिसाब से शो करेगा, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे नाम ऑफ द एप्लीकेशन एज पर आधार, आधार कार्ड में जैसा नाम है सेम वैसा ही इंटर करना है यहाँ पर। तो आधार कार्ड में जैसा नाम है ऐसा इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आधार का नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स कंडीशन को यहाँ पर टिक मार्क लगा लेना है, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा, नीचे आप फादर्स का नाम एंटर करना है सेम आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, इसके बाद कैटागरी सिलेक्ट करना है BPL हो APL हो। उसके बाद यहाँ पर सब कैटागरी जनरल SC ST। यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप APL सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे बहुत सारा कैटागरी आ जाता है, जैसे कि वुमेन, हेड, HHH, PH, लैंड विद होम स्टेड, स्मॉल एंड माइग्रेशन फार्मर्स, ST SC। तो हम लोगों का राशन कार्ड है तो यहाँ पर हम BPL सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैटागरी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं और ना यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एड्रेस को इंटर करना है, एड्रेस की जगह पर अपने विलेज का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद IFSC कोड इंटर करना है, बैंक IFSC कोड, जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद IFSC कोड इंटर करने के बाद थोड़ा सा अवॉइड करना है, ऑटोमेटिकली बैंक का पूरा डिटेल शो हो जाएगा नीचे। उसके बाद सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है यहाँ पर, उसके बाद नीचे कॉन्फर्म अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद नीचे चूज फर्स्ट पेज यहाँ पर अकाउंट का अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है और आप अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रहे अपलोड करते टाइम अकाउंट का साइज मैक्सिमम 200 KB के नीचे होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ समय लोडिंग लेगा और यहाँ से आप अगर आपको एक रेफरेंस नंबर शो होगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 लाइन बैक कर लेना है। यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, रिसीट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।